देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाए हैं क्रोजन्स, जिनको हम ये सोचते हैं कि ये बेकरी आइटम है और बाजार में ही मिलती है, बाजार की ही अच्छी बनी होती है। देखिए हमने घर में बनाए हैं, कितने अच्छे बने हैं। अब इनको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रोजन्स देसी स्टाइल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बेकरी में ही मिलता है और बिना अंडे के बनता नहीं है। हम बनाएंगे आज क्रोजन्स, और क्रोजन्स अक्सर मीठे ही होते हैं, लेकिन आज हम इन्हें अपने देसी तरीके से बनाएंगे बिल्कुल, और नमकीन बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन, और उसमें मैंने ये घी डाला और फ्लेम को ऑन कर दिया। क्रोजन्स एक बेकरी आइटम है जो बाजार में मिलता है और ज़्यादातर मीठा ही मिलता है, लेकिन हम इसको आज नमकीन बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने ये दो प्याज बारीक काट लिए, अगर आप खाते हैं तो प्याज डालें और नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। दो हरी मिर्चें, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये ली है मैंने मटर, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च छोटी सी, और उबले हुए आलू जिनको मैंने मैश कर लिया है, और दो टमाटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले घी गर्म होने पे इसमें डालूंगी राई, और राई के तड़कने के साथ ही आधा चम्मच जीरा, और इनको हम अच्छे से तड़कने देंगे। अब डालेंगे हम ये अदरक, हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता, और इनको जरा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, अदरक बहुत जल्दी भुन जाता है। अब मैंने डाला ये इसमें प्याज, प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस केवल सौते करना है। देखिए हमारे प्याज ट्रांसलूजेंट से हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से भुनने लगे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी मटर, ये मेरे फ्रोजन मटर हैं, ये मैं फ्रीज़र में निकाल के रख लेती हूँ। और ये शिमला मिर्च भी डाल दी हमने। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे। मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च क्योंकि हमने हरी डाल दी है तो इसलिए मैं लाल मिर्च थोड़ी कम डाल रही हूँ, और ये गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इसमें आप मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं, पाव भाजी का मसाला डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, इसको टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। इस तरह से सादे तो हम अक्सर खाते ही हैं, पर मसालों को ज़रा अच्छे से भून लेंगे जो मसाले हमारे कच्चे ना रहें। और ये अब मैं डाल दूंगी इसमें उबले आलू जो मैंने मैश कर लिए। आप ये मत सोचिएगा कि मटर हमारी कच्ची रहेंगी, अभी हम जब अपने क्रोजन्स को बेक करेंगे तब ये 10-15 मिनट में ये मटर अच्छा हमारी अच्छे से गल जाएंगी। और स्टफिंग पहले हमने इसलिए तैयार करी है क्योंकि स्टफिंग हमें ठंडी चाहिए, गरम गरम नहीं भरी जाती है, इसलिए हमने स्टफिंग पहले से तैयार कर ली है। इतने ये ठंडी होगी इतने हम अपना मैदा बनाएंगे, मैदा आटा जो भी बनाएं। ये देखिए हमारे आलू अच्छे से भुन गए हैं, सब मसाले इसमें अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, मेरे पास ताज़ा हरा धनिया नहीं है तो मैं इसमें सूखा हरा धनिया का पाउडर डालूंगी जो मैं घर पर ही सुखा के स्टोर करती हूँ, और अपनी स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब हम अपने क्रोजन्स के लिए मैदा मल लेते हैं। ये लिया मैंने एक कप मैदा, हाफ कप, और कुल मिला के 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो इसमें 1 कप मैदा, 1 कप आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन ये मैदे से ही बनते हैं इसलिए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच पीसी चीनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है,
और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर जब भी डालते हैं तो ज़्यादा पुराना बेकिंग पाउडर इस्तेमाल ना करें, आप हमेशा चेक कर लें कि आपका बेकिंग पाउडर ठीक है कि नहीं, पुराना तो नहीं है ज़्यादा। और 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, बेकिंग सोडा डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी आधा कप दही। दही को आप अगर आपका फ्रिज में रखा है तो उसे पहले से निकाल लें और उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, क्योंकि ठंडी चीज़ें डालने से हमारा मैदा आटा जो भी हम बनाते हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है इसलिए। और 1 टीस्पून घी, और इन चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। हमने इसमें ईस्ट पाउडर नहीं डाला, हम ना ही इसको जब बहुत देर रेस्ट देंगे, बनाएंगे आटा मैदा तुरंत और अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मलना है। ये मैंने अच्छे से मिला लिया और अब मैं इसको दूध से मलूंगी। अगर आपके दूध से नहीं मलना चाहते और आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप इसमें पहले 2 चम्मच बड़े मिल्क पाउडर डाल लीजिए और फिर इसे पानी से मल सकते हैं। लेकिन दूध से मलना अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हर एक के घर में दूध होता ही है। मिल्क पाउडर का ये हो ना हो, सब लोग के घर में नहीं होता मिल्क पाउडर, इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही दूध डालेंगे धीरे धीरे, ये नहीं कि एक साथ डाल देंगे। और इसका हम एक नॉर्मल डो, थोड़ा सा रोटी से पतला ढीला बना के तैयार कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम बेकिंग माइक्रोवेव में या ओवन में ही करें। मैंने आपको इससे पहले भी कढ़ाई में केक बना के दिखाया है, तो हम कढ़ाई में भी बड़े आराम से बना सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच घी। घी तेल आप जो मर्जी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप घी डालें। और हमने इसमें ईस्ट पाउडर नहीं डाला, आपने देखा होगा। अगर आप ईस्ट पाउडर डाल करना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच ईस्ट पाउडर को वार्म पानी में डाली मिक्स कीजिए और उसे फर्मेंट होने दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए उसे, और फिर आटे में डाल के मलिए। तो आपको दही, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आटे को अच्छे से मलिए कि हमारा मैदा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल रेस्ट नहीं देंगे, हम इसकी लोई बना लेंगे। ये लोई बना ली है, अब हम इनकी रोटी बेलेंगे। हमें इनको रोटी के आकार में बेलना है। बेलना हमें पतला है, बहुत मोटा मोटी नहीं बेलनी है। ये मैदा है श्रिंक हो जाता है, तो इसको हमें ज़रा सूखा आटा लगा लगा के, मैदा या आटा जो भी लगाएं, इस तरह से मैं सारी रोटी को, जितनी लोई हैं सबको बेल लूँगी। मैंने सब लोइयों को बेल लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको अच्छे से घी से या तेल से, जो भी आप यूज़ करें उसे लगाएं अच्छे से चारों तरफ बिल्कुल। और इस पे थोड़ा सा मैदा, उस पे फिर दूसरी रोटी। देखिए मैदे की है तो ये श्रिंक हो जाती है, इसको हम दोबारा से थोड़ा सा बेल लेंगे। एक सार होने चाहिए, छोटे बड़े साइज नहीं होने चाहिए। आप इस काम को अपने वर्कटॉप पे, किचन स्लैब पे बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पतला और बड़ा बेलना है, इसलिए अब मैं ये रख लूँगी इस पे और इस पे दूसरी। और इसको हाथ से दबाना है जिससे कि इसके अंदर हवा ना रहे, इस तरह से। अब हम इसको पलट लेंगे ऐसे और फिर इस पे घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और अगेन रोटी को इस पे रखेंगे। बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि रोटी हमारी सारी एक साइज की हो, और हमें ये पलट पलट के, पहले हमने इस वाली पूरी पे घी लगाया था, इसे नीचे कर लिया था, अब हमने इस पे लगाया है, अब हम इसको नीचे कर लेंगे। ये नहीं कि आप एक ही जगह एक ही के ऊपर रखते चले जाएं, ऐसे नहीं करना है। अलट पलट के
करना है और हाथ से दबाते रहना है जिससे कि इनमें एयर ना जाए, रह ना जाए कोई भी। इसी तरह से मैं ये सारे कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये सारे एक बना लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से बेलेंगे। इसको हमें बिल्कुल पतला और हर तरफ से बेलना है। देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब हम किसी नाइफ या पिज्जा कटर की सहायता से इसमें कट लगा लेंगे इस तरह से। आप छोटे बनाना चाहें तो एक में तीन भी कर सकते हैं, एक के दो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे निर्भर है। मैं आपको छोटे भी बना के दिखाती हूँ। ये मैंने छोटों के लिए कट लगा दिया। मैंने कट लगा लिए और जिस ट्रे में हम इसको बेक करेंगे उसे भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें नीचे की तरफ हल्का सा कट लगाएंगे। ये कट इसलिए लगाया जाता है जिससे कि हमारे अच्छे से फोल्ड हो सकें और एक अच्छी सी शेप आ सके। और इस पे हम ये हाथों से रखेंगे। इस कट को लगाने से ये होगा कि ये अच्छे से शेप ले लेगा, इसकी शेप अच्छी सी आएगी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने छोटे वाले बनाया है इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है हमारी। और इसको हम ट्रे में रखते जाएंगे। एक और बना के दिखाती हूँ। टाइटली हम इसको फोल्ड करेंगे। वैसे हमें ये बाजार में मीठे मिलते हैं लेकिन मैं ये नमकीन बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी शेप आई है हमारी। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है हमारे सब प्रोजोन्स की। ये देखिए चमक तो इन पे अंडे की पॉलिश करते हैं उसी से आती है। आप चाहें इस पे दूध की और चीनी की भी पॉलिश कर सकते हैं लेकिन उससे कई बार ये थोड़ा मीठा हो जाता है, तो मैं इस पे घी ही लगाऊंगी। अगर आप इन्हें भगोने या कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो कढ़ाई को पहले ही प्रीहीट कर लीजिए। ओवन में कर रहे हैं तो ओवन को पहले प्रीहीट कर लीजिए। और माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो माइक्रोवेव को पहले प्रीहीट कीजिए 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए और फिर इसे 15 मिनट के लिए हम बेक होने के लिए रख देते हैं। मैं इन्हें माइक्रोवेव के कन्वेक्शन बोर्ड में बनाऊँगी, तो चलिए अब माइक्रोवेव में रखते हैं। हमारे कितने अच्छे से बेक हुए हैं, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इन पे बटर या घी जो भी लगाना चाहें लगा देती हूँ, इससे और अच्छे से ग्लेज आ जाएगा। वैसे तो अंडे से ही आता है लेकिन अंडा हमने यूज़ नहीं करा इसलिए। इतने मैं इन पे बटर लगा रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं और आपको मेरी ये क्रोजोन्स की रेसिपी कैसी लगी, देसी वर्जन। ये पलट के दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से बेक हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे बेक हुए हैं। होप आपको मेरी ये सिंपल सी क्रोजोन्स की देसी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।